अब आ रही है आवाज? ओके तो जैसे कि मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ कि इफ फॉर्मूला हम यूज जब करते हैं तो एक पट यहाँ पे लगाया, यहाँ पे एट द रेट हमने कंडीशन दिया कि ग्रेटर देन 50 हो तो यहाँ पे ओके दिखाया, वरना पेंडिंग दिखाया। ठीक है, जब हम इफ फॉर्मूला लगाते हैं तो इफ फॉर्मूले के अंदर में आप देखिएगा कि नीचे इसके ये आता है एक्सप्रेशन, जो सेंटेक्स बोलते हैं, सेंटेक्स या इनपुट कह सकते हो। तो इनपुट में हमारे पास यहाँ पे तीन इनपुट हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इनपुट इनपुट को हम कॉमा से सेग्रीगेट करते हैं, नॉट इफ, किसी भी फॉर्मूले के अंदर में। यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि जो बड़ी ब्रैकेट में क्या है, आपका लॉजिकल टेस्ट नॉर्मल है, बड़ी ब्रैकेट में आपका बाकी दिख रहा है। यही नहीं, अगर आप वी लुकअप लगाइए तो यहाँ भी आप देखिए कि रेंज लुकअप बड़ी ब्रैकेट में, या फिर आप सब्स्टिट्यूट लगाइए, यहाँ भी आपको इंस्टेंस नंबर जो है बड़ी ब्रैकेट में। तो ये बड़ी ब्रैकेट कुछ कहता है हमसे, इसका मत देखिए, इनपुट जो होते हैं जब भी फॉर्मूले के अंदर हम इनपुट डालते हैं, वो दो इनपुट होते हैं, एक रिक्वायर होता है, एक ऑप्शनल होता है। आप फॉर्म वगैरह भरते हो ना, तो फॉर्म पे भी एक होता है रिक्वायर फील्ड, एक होता है ऑप्शनल। इस रिक्वायर के लिए क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। स्टार का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द रिक्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर का मतलब हुआ, ऑप्शनल का मतलब हुआ कि भैया आपका दो या बेहद। इसमें अगर आपका रिक्वायर, अगर आपको इफ फॉर्मूला लगाते, जैसे मैंने यहाँ पे 30 दिया और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इफ दैट इक्वल टू 30, तो 30 हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशन है, रिक्वायर है, एंटर मारोगे बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि फिर ये इनपुट कब पूरा होगा, जब कॉमा डालिएगा। कॉमा डालते देखिए बोल्ड कौन सा हो गया, बोल्ड वैल्यू ट्रू हो गया, अब एंटर मारोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जो रिक्वायर फील्ड होता है उसको देना जरूरी नहीं है, आप अगर नहीं देते हो तो डिफॉल्ट रिजल्ट आएगा, अगर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, जो आप दोगे वो आएगा। हाँ तो जीरो आ गया। हाँ सर सुन रहा हूँ, इफ फॉर्मूला समझा रहा है सर। हाँ फॉल्स आता नहीं, बेसिकली ब्लैंक हो गया ना, जीरो आ गया ना, फिर कॉमा लगा दिया, कुछ इनपुट नहीं डाला तो बाइट फुल ब्लैंक ले लिया उसने। देखिए हम बता रहे हैं इनको कि जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला में नीचे एक बड़ी ब्रैकेट में चीज़ें आती है, उसको बोलते हैं ऑप्शनल, एक रिक्वायर। बड़ी बाइक में देना जरूरी नहीं है, दिए बगैर भी इसका काम फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, अब चलिए इफ फॉर्मूले को यूज करते हैं। जहाँ पे कर्सर होगा वो बोल लोगा ना, जैसे यहाँ पे कर्सर होता है बोल लूगा, यहाँ पे कर्सर होता है ये बोल लूगा। अब इसको यहाँ पे करते हैं, ये मेरे पास नेम है यहाँ पे, मुझे इसमें फिल्टर करना है यूनिक नेम, पर्टिकुलर जो यूनिक नेम इसको फिल्टर करना है। तरीका तो बहुत है लेकिन मैं फॉर्मूले के जरिए करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट शॉर्ट में यहाँ पे देखिए ये आपका ABCD आ रहा है, यहाँ पे माई डेटा हैज हेडर पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे नेम आएगा एंड ओके कर दीजिए। शॉर्ट करने का फायदा क्या हुआ कि जो भी नाम थे इकट्ठा हो गए नीचे नहीं, अब मुझे सिर्फ यूनिक को फिल्टर करना है, मतलब कि हर नाम में से इसी एक को लेना है। तो यहाँ पे कंडीशन देंगे फॉर्मूला में, इफ लगाएंगे कि इफ अगर ए बराबर है अपने ऊपर वाले से, अगर ए टू इज इक्वल टू ए वन, तो यहाँ पे डी आ जाए, डी फोर डुप्लीकेट, अगर बराबर नहीं है इसका मतलब यूनिक है, इसलिए यू फोर यूनिक। हमने कंडीशन दिया कि क्या ए टू बराबर है ए वन के, ऐसा हुआ तो डी डाल दो, नहीं तो यू डाल दो। यू आ गया, सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे हम फॉर्मूला के जब ड्रैग करते हैं, जैसे ए टू ड्रैग किया तो ए टू ए वन था। अब यहाँ पे फ्रीज के बारे में समझिए, ठीक है,
फ्रीजिंग क्या होता है? जैसे हमने नेम के साथ करा था अभी, अगर हम मतलब यानी A3 के साथ करते हैं, A3 बराबर है A2 के, तो भी सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ देखिए A3 बराबर A2 आया, तो जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे ये फॉर्मूला हमने लगाया ना, अभी क्या है कि A2 बराबर A1 के, अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे तो A आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, जो 2 था वो 3 बन गया, जो 1 था वो 2 बन गया, ठीक है। अगर मैं इसको F4 से फ्रीज कर दूँ, मैं डॉलर लगा दूँ, तो क्या होगा कि मैं जहाँ भी ड्रैग करूँगा हर जगह पर आपका A2 A1 ही आएगा, इंक्रीज नहीं होगा, चाहे आप नीचे कीजिए, हाँ चाहे नीचे कीजिए चाहे आप आगे कीजिए, कहीं भी कीजिए आपका फिक्स रहेगा, हाँ नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं रो के आगे का डॉलर हटा देता हूँ, सिर्फ कॉलम के आगे का डॉलर रखता हूँ, तो क्या होगा कि जब मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ गया 3 2 4 हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो A हमारा फिक्स रहेगा, A रहा है। अगर आप दोनों डॉलर हटा देते हो, आपने दोनों डॉलर हटा दिया, तो अगर आगे ड्रैग करोगे तो ए भी आपका ए बी बन जाएगा, बी बन गया ना, बी सी बन जाएगा, ठीक है। अगर यही काम अगर नीचे अगर हम सिर्फ रो को फ्रीज कर दें, रो के आगे का डॉलर रख दें और कॉलम का आगे का डॉलर हटा दें, तो जब नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारा 2 फिक्स हो गया, 1 2 एंड 1 फिक्स हो गया, लेकिन जब हम आगे ड्रैग करेंगे तो ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो किसको आपको रखना है, किसको आपको इंक्रीज करना है, किसको इंक्रीज नहीं करना है, उसके अकॉर्डिंग आप डॉलर लगाओगे, ठीक है। आगे से फॉर्मूले, क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी को रोकना है, किसी को रखने की जरूरत नहीं है, जैसा है हो जाएगा, क्योंकि नीचे ही ड्रैग करना है ना हमें रो को आगे करना ही है और कॉलम को हमें आगे ड्रैग करना नहीं है, इसलिए हम कॉलम में लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो जब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ए आपका A3 से A2 हो जाएगा, इसके नीचे ड्रैग किया तो A4 से A4, ऐसे एक एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हर एक सेल में हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक में लगा के मैंने ड्रैग कर दिया, ये पूरा अपने आप आ गया, क्लियर है। अब मैं फिल्टर लगा के यहाँ पे यू फॉर यूनिक ले लूंगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए मुझे इसमें सब में सीक्वेंस नंबर देना है, इसमें सीक्वेंस नंबर देना है कि इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो इसके लिए भी हम इफ यूज कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे कहेंगे हम कि इफ अगर ए इक्वल टू, अगर ए इक्वल टू है ऊपर वाला, तो अपने ऊपर वाले में, सॉरी माफ कीजिएगा, तो अपने ऊपर वाले में +1 कर दे, नहीं तो 1 से स्टार्ट कर दे। तो मैंने बोला कि अगर नेम और कविता अगर बराबर है तो C1 में +1 कर दे, वरना 1 से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, इसलिए इसने 1 से स्टार्ट कर दिया। अगर नीचे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि कविता और कविता बराबर है, इसलिए 1 से स्टार्ट नहीं किया, C2 +1 कर दिया। यहाँ पे C1 +1 था, तो यहाँ पे नीचे जब ड्रैग किया तो C2 +1 हो गया, तो एक ऐड कर दिया। तो ऐसे हर किसी में ऐड करते चले जाएगा, जैसे चेंज होगा यहाँ पे वापस 1 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम नहीं है, ठीक है। कंडीशन पता है तो आप गारंटी करोगे तो आ जाएगा ना, आप काम करोगे तो अपने आप हो जाएगा, इसलिए कोई कैप्सूल है नहीं या कोई बॉन बिठा तो है नहीं। यहाँ पे एक और कंडीशन देते हैं कि मुझे सब में यहाँ पे एक यूनिक नंबर देना है, मतलब एक नाम को एक नंबर देना है। कविता आया तो कविता को मैंने 1 दे दिया, नीचे मयंक आ रहा है तो मैं मयंक को 2 दे देता हूँ, उसके नीचे नीरज आ रहा है तो नीरज को मैं देता हूँ 3, ऐसे। तो इसके लिए भी हम इफ़ लगाएंगे, इसके लिए करेंगे कि इफ अगर कविता इस बराबर है इस, तो क्या करें ऊपर वाला ही शो कर दे, वरना ऊपर वाले में +1 कर दे। अब मैंने अपोजिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए आपने ऊपर वाले में +1 किया, अब ऊपर वाला ब्लैंक है, 0 है, इसलिए क्या किया, इसे 0 से 0 +1 = 1 कर दिया।
जब नीचे ड्रैग करेंगे तो इसने चेक किया कि दोनों बराबर है, तो प्लस नहीं किया, सेम ऊपर में जो वन था इसी वन को रिप्रेजेंट कर दिया इसने, ठीक है। जब यहाँ पे मयंक कविता और मयंक पे आया तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए अपने ऊपर वाले में इसने प्लस वन कर लिया। क्या दिक्कत है इसमें आपको, समझो? समझो आप, देखो क्या दिक्कत आ रही है, बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। फॉर्मूला आपके सामने है, ये देखिए ना, आपके सामने फॉर्मूला लगा है ना, इस फॉर्मूले से रिपीट हुआ है ना, इस फॉर्मूले में क्या दिक्कत आ रही है आपको बताओ। सिंपल फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को समझाने की जरूरत पड़ेगी तो बड़े बड़े फॉर्मूला दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, तो समझो क्या दिक्कत है इसमें। देखो आया नहीं जी समझ में, सेल्फ लर्निंग कैसे होगा, फॉर्मूले देख के कैसे समझोगे आगे। देखिए हमने सिंपल कंडीशन क्या है कि हर किसी को एक यूनिक नंबर देना है, ठीक है। तो हम करना क्या चाहते हैं कि मैं नंबर इंक्रीज कब हो, जब नाम चेंज हो। अगर सेम नाम है तो एक सेम नंबर दिखाए ना, अगर नाम चेंज हो रहा है देन यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो, ठीक है ना, कंडीशन ये है। तो मैंने कंडीशन यहाँ पे दिया कि अगर नाम सेम है तो नंबर इंक्रीज मत करो, सेम नंबर को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों आपस में नहीं है, दो आपस में बराबर नहीं है, इसने क्या किया कि वो जो उससे पहले वाला नंबर था उसमें प्लस वन कर दिया, इससे पहले कोई नंबर नहीं था, जीरो था, जीरो प्लस वन आ गया। अब नीचे आया तो ये देखा कि कविता और कविता सेम है, तो इसने इंक्रीज नहीं किया डी टू, मतलब कि सेम वैल्यू को जिससे ऊपर पहले जो वैल्यू थी उसी वैल्यू को इसने रिप्रेजेंट कर दिया, रिपीट कर दिया। तो ऐसे सेम रिपीट 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 करता है। यहाँ पे चेक किया कि यहाँ पे जो है मयंक और कविता दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि इससे पहले जो वैल्यू थी, इससे पहले जो वैल्यू थी उसको रिपीट नहीं किया, उसमें एक जोड़ दिया, क्योंकि ए ट्रू पार्ट में है ए फॉल्स पार्ट में है। जब एक कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको रन होगा, एक कंडीशन ट्रू होगी इसको रन होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो इसको रन होगा, ठीक है। आ गया समझ में आलोक जी, आपको समझ में आया? अब चलिए कुछ और करते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक डेटा वन नाम की फाइल है, ठीक है। आपको याद होगा जब मैंने आपको पाइवट पढ़ाया था तो एक सिंपल चीज आपको पढ़ाई थी, जब मैं इंसर्ट में गया इसमें पाइवट टेबल लगा दिया एंड ओके कर दिया, उसके बाद मैंने नेम दे दिया, मैंने क्वांटिटी दे सॉरी क्वांटिटी को यहाँ रख दिया, सिटी को यहाँ रख दिया और क्वांटिटी का सेल यहाँ रख दिया। अलग अलग कॉलम में करने के लिए मैं राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गया और फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे आया और क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे चला गया एंड ओके, फिर राइट क्लिक और फिर इसको सब टोटल हटा दिया, ठीक है। फिर इसको हम कॉपी करके किसी और सीट पे, क्योंकि पिवट ए तो भेजना नहीं था ऐसा, इसमें कुछ और फॉर्मेटिंग वगैरह करके भेजना था हमें, हमने कॉपी किया और एक नई सीट पे इसको पेस्ट मार दिया, या फिर जो हमारी पुरानी सीट थी उसी सीट पे चले जाते हैं, इसी में दूसरे सीट पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कंट्रोल पेज अप पेज डाउन, पेज अप पेज डाउन सीट चेंज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लैंक सेल है मुझे इसको फिल करने है, मतलब ये कविता इसको इस तरह से फिल कर दे, मयंक किस तरह से फिल हो जाए। तो मैंने आपको सिखाया था, याद होगा कि मैंने बताया था कि आप होम मेनू में यहाँ पे फाइंड में गो टू ए स्पेशल पे जाओ और यहाँ पे ब्लैंक को सिलेक्ट करो और फिर इक्वल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर मारो, हो गया।
लेकिन कभी कभी इसकी प्रॉब्लम आती है, तो उसको आपको फॉर्मूले के जरिए करना है, इफ फॉर्मूले के जरिए। तो यहाँ पे हम करेंगे कि इक्वल इफ, अगर ए इक्वल टू जीरो है, मतलब सामने वाली वैल्यू ब्लैंक है, तो जहाँ पे फॉर्मूला लगा है वो अपने ऊपर वाली वैल्यू को रिपीट कर दे। अगर नहीं, सामने वाली वैल्यू जीरो नहीं, कोई नंबर कोई है जीरो से कुछ टेक्स्ट डला हुआ है, ब्लैंक जीरो मतलब ब्लैंक ब्लैंक नहीं है, तो फिर सामने वाली वैल्यू को ही शो कर दे, ठीक है। और फिर इसको हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा, कविता 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 कविता। फिर यहाँ पे यहाँ देखिए मैंग था, तो ये मैंग दिखा दिया, फिर कॉपी करके वैल्यू पे मार दीजिए। आया समझ में गिरीश जी, कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है, उसके बाद इस तरह से यूज करते हैं, या फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको पेस्ट स्पेशल में एक फॉर्मूला बताया, एक ऑप्शन बताया था स्किप ब्लैंक का। जैसे कि ये नंबर है, तो इसमें कुछ चेंजिंग कर दिए गए हैं, मुझे इसको अपडेट करना है, तो एक एक कॉपी पेस्ट करना मुश्किल होता, तो मैंने आपको बताया था कि हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें करेंगे हम स्किप ब्लैंक, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे फॉर्मूले के जरिए करना होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ फॉर्मूले का, कि इफ अगर ए इक्वल टू जीरो है तो अपनी आगे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, जीरो नहीं है तो इसी वाली वैल्यू को प्रेजेंट करें, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से मैंने इफ के कई सारे एग्जांपल बताए आपको, इफ अब समझ में आ गया होगा। नीरज जी समझ में आया इफ? आलोक जी आपको तो इफ पता ही है ना? कहाँ खाली नहीं है, ये खाली है ना यार। स्किप ब्लैंक मतलब होता है ब्लैंक को स्किप करता है, ब्लैंक को लेता नहीं है। हाँ मतलब कि ब्लैंक को छोड़ दे, ब्लैंक को छोड़ के इसको इस पे ओवरराइट कर देगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा जो चीज है वो है आपका ये। अब बारी आती है थोड़ा नेस्टेड इफ की, थोड़ा लेंदी प्रोसेस के बनाते हैं। सिंपल इफ समझ में आ गया, अब थोड़ा सा लेंदी इफ में चलते हैं। लेंदी इफ में मतलब कि मैं यहाँ पे करता हूँ कि यहाँ पे लगाता हूँ कि इफ, सॉरी माफ कीजिएगा, आप मान लीजिए कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू का डेटा कुछ इस तरह से आया, यहाँ पे नेम और यहाँ पे उनके राउंड्स हैं, राउंड 1 2 3 4 5 इस तरह से आपके राउंड्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि चार ही राउंड रखता हूँ, पांच में पहले तीन रखता हूँ, फिर पहले दो रखता हूँ, फिर धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर राउंड 1 और राउंड 2 दोनों, अगर मान लीजिए एक रवि नाम का आदमी है, अगर राउंड 1 और राउंड 2 दोनों कंडक्ट करता है, तो ही उसका सिलेक्शन सिलेक्टेड आना चाहिए, वरना रिजेक्टेड आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम इस पर कई तरीके हैं, लेकिन एक लंदी तरीका बताता हूँ, फिर आपको सिंपल तरीका बताऊँगा कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है, वाई यहाँ पे वाई लिखेगा, ये वाई एन कंडक्ट होगा तो वाई, नहीं तो एन, मैं लिखना भूल गया। देन अगर फिर ये भी आपका इक्वल टू वाई है, अगर दोनों वाई है तो यहाँ पे सिलेक्टेड आए, ठीक है, नहीं तो रिजेक्टेड आए। अब इसमें सिलेक्टेड कितने बार हो सकता है, एक ही बार हो सकता है ना, रिजेक्ट कितने बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, इसे रिजेक्टेड के लिए फिर आपको एक नेक्स्ट इफ के अंदर में आपको कॉमा देकर देना पड़ेगा रिजेक्टेड, क्योंकि हर इफ के दो तीन पार्ट होते हैं, एक ट्रू एक कंडीशन, ट्रू एंड फॉल्स।
तो इस इफ जो है, पहला इफ है इसका कंडीशन ए हो गया, इसका ट्रू पार्ट दूसरा इफ का पूरा पार्ट हो गया एंड फॉल्स पार्ट रिजेक्टेड हो गया। ऐसे दूसरा इफ का ट्रू लॉजिक ए हो गया, कंडीशन ए हो गया, ट्रू पार्ट ए हो गया और फॉल्स पार्ट ए हो गया, आ गया। अगर मैं दोनों में y और यहाँ पे y करता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्टर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूँ कि R3 भी राउंड 3 में भी कनेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका क्या करोगे कि आप इस इफ के बाद सेकेंड इफ जो लगाया उसके बाद एक और इफ ऐड करोगे कि इफ नहीं, इसी में ऐड कर रहे हैं ना, इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो सिलेक्टेड है वरना रिजेक्टेड है, और फिर आप एक इफ बढ़ा तो एक और फॉल्स पार्ट को बढ़ाओगे, ठीक है, रिजेक्टेड, समझ में आया है नीरज जी, समझ में आया आपको ये फॉर्मूला? तो पहला इफ जो है, पहले इफ का टेस्ट ए हो गया और कंडीशन जो पहले ट्रू पार्ट ए पूरा हो गया, ठीक है, पहला और दूसरा इफ, और फॉल्स पार्ट रिजेक्टेड हो गया। देन दूसरे इफ का ट्रू पार्ट ए हो गया और सॉरी कंडीशन ए हो गया और ट्रू पार्ट तीसरा इफ हो गया और फॉल्स पार्ट रिजेक्टेड हो गया। तीसरा इफ का तो पता ही है, ऐसे चौथा अगर ऐड करना चाहो तो चौथा भी ऐड कर सकते हो सेम ऐसे ही R4 यहाँ पे y और फिर यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे तीसरे इफ के बाद चौथा इफ कि इफ अगर a इक्वल टू आपका y है तो सिलेक्टेड है, नहीं तो रिजेक्टेड है, और फिर लास्ट में सेम ऐसे ही कॉमा रिजेक्टेड। एक एक करके ऐड करोगे ना, जहां पे गलती होगी तो पता चल जाएगा आपको भाई गलती है, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से जान जाओगे तो इसको आप इकट्ठे एक ही बार में लगाओ इस तरीके से कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो फिर दूसरा इफ चले, क्या ए इक्वल टू आपका वाई है, फिर तीसरा इफ चलेगा कि क्या ए इक्वल टू आपका वाई है, एंड फिर आपका चौथा इफ चलेगा कि क्या ए इक्वल टू वाई है। चारों इफ कंटिन्यूस आपने लगा दिया टू के अंदर टू, क्योंकि इसमें जो है ना कि सारे कंडीशन रिक्वायर है, मतलब कि चारों वाई होने ही चाहिए, तो उस केस में हमने यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे सिलेक्टेड सिलेक्टेड और यहाँ पे रिजेक्टेड, ए तो आपका एक का हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए तो आपका चौथा इफ बंद हुआ, फिर आपका जो तीसरा इफ है उसमें एक और कॉमा दीजिए, फिर यहाँ पे दीजिए आप रिजेक्टेड, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर आपका दूसरा इफ है, फिर यहाँ पे दूसरे इफ के लिए आप जो है दीजिए रिजेक्टेड, फिर आपका लास्ट में पहला इफ है तो पहला इफ के लिए दीजिए आप रिजेक्टेड। तो जो सल ये, तो आप एक बार में लिखना चाहते हो एक बार लिख दीजिए, आप तोड़ तोड़ के लिखना चाहते हो तो इस तरह से तोड़ तोड़ के लिख दीजिए। ठीक है, या फिर एक आसान तरीका है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड का, एक से ज़्यादा कंडीशन आप देना चाहते हो कि एक इफ में आप एक ही कंडीशन दे सकते हो, जितना कंडीशन उतने इफ लगेंगे आपको, चार कंडीशन है चार इफ लगे, लेकिन एक एंड फार्मूला है किसके अंदर में इकट्ठे चार कंडीशन आप दे सकते हो, चारों कंडीशन को चेक करेगा, अगर चारों कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ट्रू वरना फॉल्स। तो लेकिन एंड क्या है, रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में ही आपका रिजल्ट देगा, अगर चारों कंडीशन मैच करता है तो यहाँ पर ट्रू देगा नहीं तो आपका फॉल्स देगा। ठीक है, दैट इक्वल टू वाई आ गया ट्रू। अगर किसी एक में भी मैं एन कर दूं तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है,
यार तो सिंपल है, इसमें क्या देखना है तुम्हें, बस एन लगाओ सारे कंडीशन कॉमा कॉमा करते देते चले जाओ, ठीक है। लेकिन मुझे रिजल्ट तो सिलेक्टेड रिजेक्टेड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इफ अगले सेल में इफ फॉर्मूला लगा देता हूँ कि इफ अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे सिलेक्टेड, नहीं तो रिजेक्टेड। अब यहाँ पे मैंने इक्वल टू ट्रू नहीं दिया, ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि इफ के अंदर में ट्रू एंड फॉल्स ही चाहिए होता है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी ट्रू फॉल्स है तो इक्वल ट्रू देने की जरूरत नहीं है, रिजेक्टेड आ गया। अगर चारों में कंडीशन हुआ तो यहां भी आ जाएगा। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दो अलग अलग सेल में मुझे एक ही सेल में चाहिए, तो आप क्या कीजिए इसको मर्ज कर दीजिए, आप मर्जिंग मेथड अपनाइए, एंड को कॉपी कीजिए, एस्केप मार के बाहर आइए और फिर जहां पे आपने F2 प्रेस किया है उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दीजिए, आपका मर्ज हो गया, एक सेल में आ गया। क्लियर है? यार कॉपी पेस्ट किया मैंने, यार तुम ध्यान नहीं दे रहे हो इस वक्त क्लास में। अब क्या यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास, हाँ सर पूछिए, हाँ बोलिए सुन रहा हूँ। तो आपने थर्सडे क्लास में ज्वाइन नहीं किया था क्या? सर कहीं बाहर हो क्या? वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। लास्ट क्लास जो हमारी कैलकुलेशन की क्लास हुई थी, जहाँ पे मैंने आपके एमआरपी वगैरह कैलकुलेट करना सिखाया था, एमआरपी, ग्रोथ, लॉजिकल ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन, मैथमेटिकल ऑपरेटर, थर्सडे क्लास हुई थी, याद आया? उसमें वो फॉर्मूला, वो क्लास पूरी ये पूरी क्लास फॉर्मूला मर्जिंग पे ही था बेसिकली। सिंपल सी ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं ना, नहीं लिंक सेंड थी सर। अब सर आपकी मेल आईडी जो आपने दिया था उसे भेजा था मैंने, चलिए अभी भेज देता हूँ आपको वापस में। तो यहाँ पे बात हो गई कि रिजेक्ट, यहाँ पे दो अलग अलग फॉर्मूले F2 और A, ठीक है ना। एक काम कीजिए, एक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रिकॉर्डर, जड्डी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और क्लास को खुद रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। इसका नाम है जड्डी सॉफ्ट स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्री आता है। क्या प्रॉब्लम होती है? तो यहाँ पे हमारा देखिए, सिंपल देखिए, F2 है हमारे पास, यहाँ पे मुझे क्या करना है कि F2 इस पर लिंक है, इस कॉलम को रिमूव मारना है ना मुझे, तो A इसका रिजल्ट F, इसका F2 है और यहाँ पे देखा है कि F2 से आ रहा है, मतलब कि ये जो इफ है F2 पे डिपेंडेड है। F2 किस पे डिपेंडेड है? इस फॉर्मूले पे, मतलब समझिए कि A फॉर्मूला आपका हो गया किसान और F2 क्या हो गया? आपका ब्रोकर, और ये आपका क्या हो गया? कंज्यूमर। तो मुझे बीच में से ब्रोकर को हटाना है, तो मुझे क्या करना है? किसान और कंज्यूमर को मिला देना है। तो मैंने किसान को कॉपी किया, कंट्रोल सी से एस्केप मारा, इक्वल मत लेना, ठीक है, इक्वल के बाद करना। और फिर जहाँ पे हमारा F2 मतलब कि दलाल था, ब्रोकर था, उसके जगह पे उसको पेस्ट मार दिया, सिंपल है, आ गया। हाँ सर समझ में आया? उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ में मान लीजिए यहाँ पे नेम है। अब आईडी प्रूफ बंदे से लेना है तो जरूरी नहीं है कि बंदा आईडी प्रूफ सारे का सारा दे, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, डीएल है एंड पासपोर्ट है, ठीक है ना। अब चारों में से कोई एक दे सकता है या चारों दे सकता है, तो जो देगा उसके सामने वाई लग जाएगा, ठीक है।
तो यहां पे मैं चाहता हूं स्टेटस के अंदर में ओके करना, स्टेटस। तो यहां पे मैंने किया कि इफ अगर पैन कार्ड इक्वल टू वाई है तो यहां पे ओके दिखाए और बाहर आ जाए, क्योंकि कोई एक भी, ये क्या है, ऑप्शनल है, इसके तरह रिक्वायर नहीं है कि हर एक होना चाहिए। तो मैंने बोला कि भाई अगर पैन कार्ड तुम्हें मिल जाता है, एक मिल गया, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलो। अगर पैन कार्ड वाई नहीं है तो वापस मैंने बोला कि भैया वापस जाओ और वोटर आई कार्ड को चेक करो, क्या वोटर आई कार्ड है, अगर वोटर आई कार्ड है तो यहीं पे आप ओके दिखो और यहीं से फॉर्मूले को ख़त्म कर दो। अगर वोटर आई कार्ड भी उनको नहीं मिलता है तो टीसी कंडीशन चलेगा यहाँ पे कि क्या ए डी एल इक्वल टू वाई है, मिल गया तो यहीं पे आप ओके करके बाहर आओ, अगर नहीं मिले तब आप अगली चेन को चेक करो कि क्या इक्वल टू वाई है, अगर मिल गया तो यहीं पे आप ओके करो। अगर पांचों में नहीं मिलता है, मतलब पांचवा तक आया मतलब चार नहीं मिला है, अगर ये चौथा इफ तक कब आएगा, जब तीसरा तीन इफ कंडीशन फॉल्स होगा, मतलब तीन नहीं मिलेगा तो चौथा में आएगा, तो इसका मतलब कि चौथा भी इसको नहीं मिला, इसका मतलब इसको बिल्कुल ही नहीं मिला, इसके लिए यहां पर दे देगा वो पेंडिंग। तो यहां पे पेंडिंग होने का चांसेस एक बार है, इसमें पेंडिंग एक बार आया, यहां पे आपके ओके होने का चांसेस कितने बार है, चार बार है, चार बार है। लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करने का झंझट है, कितना ब्रैकेट क्लोज करना है, जितने ही पुत्र ब्रैकेट क्लोज होंगे, तो जरूरत नहीं है, आप एंटर मारिए, यस पे क्लिक कीजिए, वो अपने आप क्लोज कर लेगा, ठीक है। अब इसको भी एक आसान तरीके से हम कर सकते हैं, हमारे पास एक एंड के अपोजिट में और का फॉर्मूला होता है, और कि अगर ए इक्वल टू वाई है तो सेम, अगर और के अंदर में कोई एक भी मिल गया, वाई मिल गया, एक ही कंडीशन ट्रू मिल गया, तो क्या करेगा कि वहीं से बाहर निकल जाएगा, इग्नोर करेंगे, दे दिया एंटर मारा, ट्रू होके बाहर आ गया, ठीक है। अब इस पे इस कंडीशन हमने अप्लाई कर दिया कि इफ अगर ए इक्वल टू ट्रू है तो यहां पे ओके आ जाए, नहीं तो पेंडिंग आ जाए, ओके आ गया। लेकिन कंडीशन चेंज हो गया, अब इसमें पैन कार्ड कंपल्सरी हो गया, भैया इसमें दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए जो देना ही देना है, अब बाकी इसमें से कोई एक चाहिए, या फिर तीनों दे दो, चाहिए कोई एक दे दो, एनी वन और मोर देन वन, लेकिन इसमें आपको पैन कार्ड देना ही देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, तो यहां पे कंडीशन लगेगा एंड फॉर्मूले के अंदर में, एंड एंड में मैंने बोला भैया इक्वल टू वाई होना ही चाहिए, ठीक है, और बाकी तीन में से कोई एक होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन तीनों में से कोई एक, तो मैं इन तीनों को और के अंदर में डाल दूंगा कि क्या ए इक्वल टू वाई है, फिर क्या ए इक्वल टू वाई है, फिर क्या ए इक्वल टू वाई है, ट्रू आया। ये फॉर्मूला परफॉर्म कैसे कर रहा है, इस चीज को एवलेट, फॉर्मूला पे जाइए, फॉर्मूला के एवलेट कीजिए, देखिए पहले इसने इसको चेक किया एंड ने ट्रू मिल गया, देन और को ट्रांसफर किया, फिर और ने अपना रिजल्ट चेक किया, तो और ने देखा कि उसके एक फॉल्स, सॉरी दो फॉल्स होने चाहिए थे, वो माफ कीजिएगा ब्लैंक रह गया, ठीक है मैं सही करूँगा, इसको दो ट्रू मिल गया, तो और को एक ट्रू मिल गया, कोई एक ही मिल गया, तो ये ट्रू पास कर दिया, और एंड को एंड द लास्ट दो ट्रू होने चाहिए, एंड एंड के बाद कोई भी एक ही फॉल्स आएगा तो फॉल्स देगा, तो एंड को यहाँ दोनों ट्रू मिला, इसे ट्रू रिटर्न किया इसने, और देन इस ट्रू के ऊपर जो आप देना चाहते हो दे दो। तो इस तरह से एंड और को कंबाइन कर सकते हो, समझ में आया, समझ आया सर, आलोक जी, गिरीश जी, नीरज जी, समझ में आया। अब आपको प्रैक्टिस करने की बारी आती है कि आप प्रैक्टिस करो इफ के ऊपर, तो मैं आपको एक इफ फॉर्मूले का टेस्ट फाइल भेज रहा हूं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ सॉल्व आपसे होंगे, कुछ आपसे सॉल्व नहीं होंगे, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व कीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको जो है सात तक तो सॉल्व हो जाएगा,
सॉरी आपका 6 तक सॉल्व हो जाएगा, 7, 8, 9, 10 हो सकता है आपके, 9 तो हो जाएगा, 9, 10, 11 आप सकता है आपसे, मैं 3 क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके भेज रहा हूँ, अपनी अपनी ईमेल आईडी मुझे चैट पे भेजिए, अभी यहाँ पे ग्रुप बना देता हूँ ताकि सबको एक ही बार में मिल जाएगा। चैटिंग में भेजिए ईमेल आईडी।